नमस्कार, मैं हूं शुभम और फटाफट कपड़ों में आपका स्वागत है। यूपी में गैंगरेप एसीएल टैग विक्टिम के सामने सेल्फी लेने वाले पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है। ये महिला कांस्टेबल एसीएल टैग विक्टिम के सुरक्षा में तैनात थी। योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बन जाने पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। इस पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। सरकार का कहना है कि कार्यालयों में हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने यूएस के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से मुलाकात की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अमेरिका को काउंटर टेररिज्म में भारत की मदद चाहिए। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सबसे लंबे सड़क सुरंग मार्ग का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में स्थित है यह सुरंग मार्ग। एयर इंडिया के साथ बुरा बर्ताव करने वाले शिवसेना सांसद रविंद गायकवाड़ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को लेकर पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे फिलहाल असमंजस में। वित्त वर्ष 2017-2018 में भरे जाने वाले रिटर्न्स में देरी होने पर 5,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। वहीं 31 दिसंबर के बाद भरे जाने वाले रिटर्न्स पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ईडी ने आईपीएल के फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान और जूही चावला और उनकी कंपनी के खिलाफ नोटिस भेजा है। यह नोटिस फेमा के अंतर्गत भेजा गया है। फ्रांस के नीले शहर में मेट्रो स्टेशन के पास खड़े लोगों पर एक हमलावर ने अचानक गोली बरसा दी। इस हमले में करीब 3 लोग घायल हैं। करीब 377 मौत के बाद पसीजे डॉक्टर सीएम फंडीवास के साथ बैठक करके हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। आज फटाफट में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। और भी ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।